हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ गया है। सरकार का लिखित प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसानों ने देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी। सवाल अब ये है कि सरकार किसानों को मनाएगी कैसे। हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये जो तीनों बिल थोपे गए इनको रद्द किया जाए। इससे कम कोई भी हमें स्वीकार नहीं होगा। आगे जितने दिल्ली के रास्ते रहते हैं उसको बंद कर देंगे, एक दो दिन में सभी रास्ते बंद कर देंगे। कृषि कानून पर और बढ़ा केंद्र किसानों का टकराव। जिद पर अड़े किसान, खारिज किया सरकारी प्लान। और बढ़ेगा किसानों का दिल्ली दंगल। किसानों को अब कैसे मनाएगी सरकार। किसान आंदोलन के 14वें दिन नाराज किसानों को मनाने के लिए सरकार लिखित प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन प्रस्ताव पाकर किसान और भड़क उठे। एक सिरे से सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया, उल्टा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था, जिस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में, प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। सरकार के 20 पन्नों के प्रस्ताव को तसल्ली बख्श पढ़ने के बाद ही किसानों ने खारिज कर दिया। प्रस्ताव के जरिए सरकार ने किसानों की आपत्ति दूर करने की कोशिश की थी। किसानों की सबसे बड़ी आशंका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को खत्म होने को लेकर है। इसे लेकर सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि वो MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। किसानों के दूसरा डर APMC मंडियों के कमजोर होने पर भी सरकार ने जवाब दिया। कहा गया कि वो कानून में संशोधन कर राज्य सरकारों को निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार देने को तैयार है। किसानों का कहना है कि नए कानून में निजी व्यापारी धोखाधड़ी कर सकते हैं। सरकार ने प्रस्ताव में लिखा कि निजी व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। नए कानून में विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा कि किसानों को इसका विकल्प भी दिया जाएगा। किसानों का ये भी कहना था कि उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार ने प्रस्ताव में कहा किसान की जमीन पर खरीदार का कोई अधिकार नहीं होगा। किसानों को ये भी लगता है कि नए कानून में उनकी जमीन कुर्क हो सकती है। सरकार ने कहा कि वसूली के लिए जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी। किसानों को बिजली संशोधन विधेयक पर भी आपत्ति है। सरकार ने प्रस्ताव में लिखा किसानों के बिल भुगतान में कोई बदलाव नहीं होगा। पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर भी सरकार ने भरोसा दिया कि इसका उचित समाधान किया जाएगा, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने गोलमोल बताते हुए नकार दिया। प्रपोजल जो आया वो गोलमोल, इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदर्यीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार के प्रस्ताव खारिज होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में प्रस्ताव के नामंजूर होने की स्थिति पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में इस बात पर फैसला नहीं हो पाया कि सरकार अब दोबारा किसानों को प्रस्ताव भेजेगी या नहीं। वैसे अब तक सरकार का रुख यही रहा है कि वो कानून में किसानों के मुताबिक बदलाव को तैयार है, लेकिन कानून रद्द करना रास्ता नहीं है। कोई लेजिटिमेट मांग है, उनकी कोई आशंका है, उसको दूर करने के लिए हमें कुछ और करना है तो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। ये तो बार बार स्पष्ट किया गया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तीनों कानून को समाप्त करोगे तभी कुछ होगा तो मेरे ख्याल में इससे हम उचित नहीं मान सकते। ऐसे में किसान संगठनों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो कृषि कानून के रद्द करने के अलावा किसी मांग को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो
और MSP पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार का प्रस्ताव खारिज कर किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो न झुकने के लिए तैयार हैं न पीछे हटने को। अब किसानों ने अनिश्चित काल के लिए धरने की चेतावनी दी है। इससे पहले 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी गई है। 14 तारीख को पूरे देश में धरने का भी ऐलान किया गया है। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बायकॉट किया जाएगा। जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए। एक तरफ किसानों के तेवर तल्ख है तो दूसरी ओर सरकार को अब भी उम्मीद है कि वो उन्हें मना लेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी किसानों से अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कॉमेंट्री नहीं होती है। और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन सवाल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ किसानों का रुख पहले से ज्यादा सख्त होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता बच जाता है? किसानों की मांग MSP से शुरू होकर कानून रद्द करने तक पहुंची और अब कानून रद्द करने से आगे निकलते हुए MSP पर कानून बनाने की बात तक पहुंच चुकी है। हालात बिगड़ते देख खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब इंतजार है तो सरकार के अगले कदम का।